नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर के मानपुर थाना इलाके में सीप नदी का मामला। पानी में डूबे हुए पुल को जबरन पार कर रहा अज्ञात युवक नदी में बहा। सुरक्षा गार्डों ने किया था रोकने का प्रयास, तलाश में जुटी मानपुर पुलिस। श्योपुर पानी में डूबे हुए सीप नदी के ऊपर बने रपटे को पैदल पार कर रहा एक युवक तेज बहाव होने की वजह से नदी में बह गया। आधा घंटे से मानपुर थाना पुलिस द्वारा उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। SDRF की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। मामला मानपुर थाना इलाके के मानपुर ढोड़ा रोड को जोड़ने के लिए सीप नदी पर बने रपटे का है, जो नदी का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से पिछले 3 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। पानी का बहाव भी तेज है। इसे देखते हुए प्रशासन ने नदी के दोनों किनारों पर सावधानी की चेतावनी वाले बोर्ड लगवाने के साथ दोनों ओर 2 कोटवारों को तैनात कर दिया है, ताकि कोई भी पानी में डूबे हुए रपटे को पार नहीं करे। लेकिन सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे एक अज्ञात युवक जबरन रपटा पार करने लगा। चौकीदार पूरन के द्वारा बताया गया है कि उस युवक को उन्होंने रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कई बार रोकने पर भी वह नहीं रुका। नदी पर बना हुआ रपटा बीच में से टूटा हुआ भी है और उसके ऊपर तेज बहाव में पानी बह रहा है। इस वजह से युवक देखते देखते ही नदी में बह गया, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। इनका क्या कहना है इस बारे में, मानपुर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सियाशरण का कहना है कि रपटे को पार करते समय एक अज्ञात युवक पानी में बह गया है। उसे कोटवारों ने रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह रोकने पर भी नहीं माना। शायद शराब का नशा किया हुआ था, इस तरह की जानकारी भी कोटवार दे रहे हैं। हम उसे नदी में तलाश करवा रहे हैं। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।